हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आखिरकार होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके लिमिटेशन क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सपोज कीजिए आपने एक कॉफ़ी का कप लिया हुआ है, उसको आपने रख दिया और आप 1 घंटे बाद उसको चेक करते हैं तो क्या वो आपको गर्म मिलेगा? जवाब है नहीं, वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर जो फिनोमिनन हो रहा है ना, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कोई भी चीज़ जो है अपनी हीट एनर्जी या हीट जो है वो लूज़ करती है और ठंडी हो जाती है, यानी कि कूलिंग हो रही है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आर बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है जिसके कारण हीट का लॉस हो रहा है, जो भी रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो आपके कॉफ़ी के कप का है और जो सराउंडिंग का है। मान लीजिए जो आपने कॉफ़ी रखी हुई है या कॉफ़ी मग है, उसका टेम्परेचर T1 है और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T2 है। तो जितना ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, उतनी ही तेज़ी से हीट का क्या होगा? लॉस होगा। समझ में आया? तो जैसा कि हमने देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज़ का होगा? हमारा जो कॉफ़ी का मग है और जो सराउंडिंग है उसके बीच का, यानी कि T1 - T2। तो इक्वेशन क्या निकल के आता है? जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है या जो हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो इक्वल टू आएगा और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हमने क्या कहा है, के कहा है। और ये माइनस का सिंबल इसलिए है क्योंकि जो लॉस हो रहा है हीट का ये नेगेटिव है। लॉस होना यानी घाटा होना, मतलब कि नेगेटिविटी। ओके, अब एक बार इक्वेशन को देखते हैं कि DT/T इक्वल्स टू माइनस के T1 - T2। यहाँ पे देखिएगा ये T1 - T2 है क्योंकि हमारा टेम्परेचर ये है और ये। और यहाँ पर एक चीज़ आप बताइए कि T1 > T2 होगा कि T1 < T2 होगा? तो हमेशा याद रखिए T1 will be > T2। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये सिस्टम है ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना। आपके कॉफ़ी का मग ज़्यादा गर्म होगा कि आपकी सराउंडिंग ज़्यादा गर्म होगी? समझ गए ना? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगर हम ये T1 - T2 को अपॉन में ले जाते हैं यहाँ पर, यानी इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं DT की जगह, और DT को यहाँ पर K के साथ ले आते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है? T - T2 जो है अपॉन में है, यानी कि DT/T - T2। तो हो जाएगा log T1 - T2 और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है log C, और के माइनस के dt हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -KT। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया? ओके, और उसके बाद ये इक्वेशन कैसे आया है? हमने log को, आप जानते हैं log को अगर हम इक्वल टू किस साइड ले जाने की कोशिश करें तो ये e के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? e के फॉर्म में। तो इससे हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है। अगर अब बात की जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ ठंडी होती है और वो ठंडी क्यों हो रही है, उसमें लॉस ऑफ हीट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों चीज़ों के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम के है। ओके, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इसमें पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी देर में ठंडा होगा, कूल डाउन एट सर्टेन टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं उसका। और एक और चीज़ हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो कितने बार, हम डेथ पीरियड पता कर सकते हैं कि वो कितने देर पहले उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो इसके लिमिटेशंस ये हैं कि सबसे पहले जो द लॉस ऑफ हीट होना चाहिए वो हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन हम सभी जानते हैं एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो जैसे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, वैसे ही रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जब हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे हम रेडिएशन कह देते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस है सराउंडिंग और बॉडी के बीच में वो छोटा होना चाहिए। और एक जो मेजर लिमिटेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, वो ये कहता है कि जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, यानी कि जो जहाँ पर आपका कॉफ़ी का कप रखा हुआ है, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इतने ही से लिमिटेशन है इसके। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप समझ ही चुके हैं कि क्या होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।